हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आपका स्क्रीन का आप देख सकते हैं, हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका द्वारा ट्वीट है। यहां पे आप देख सकते हैं, द TDS रेट फॉर ऑल नॉन सैलरी डिपार्टमेंट, यानी आप सैलरी पर्सन को छोड़ने के बाद जो रेसिडेंट लोग को हम लोग पेमेंट करते हैं, उन लोग का TDS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेट विल बी रिड्यूस्ड बाई 25% ऑफ द स्पेसिफाइड रेट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ फिनेंशियल ईयर 2021। जो रिमेनिंग पीरियड जो है फिनेंशियल ईयर 2021 का, उसका जो एग्जिस्टिंग जो TDS रेट है उसका 25% घटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, 25% घटा दिया गया है। आपका सैलरी को छोड़ के, सैलरी पर्सन का अभी बोला गया नहीं है, इसमें बोला गया सिर्फ नॉन सैलरी पर्सन को। आप पेमेंट करने के टाइम में जो TDS काटते हैं, अभी जो फिनेंशियल ईयर जो आपका 2021 फिनेंशियल ईयर में जो बचा है, आज का जो आप मई हो गया आपका, मई 13 तारीख, उसके बाद जो आपका TDS जो काटेंगे, वो जो पीरियड बचा है फॉर द फिनेंशियल ईयर 2021 का, उसका आप TDS जो काटेंगे नॉन सैलरी पर्सन को पेमेंट करने के टाइम में, वो रेसिडेंट हो गए, तो आपका क्या होगा ना, टैक्स जो अभी TDS का जो स्लैब है उससे 25% कम काटेंगे। इसमें क्लियरली बोल दिया गया है, आपका स्क्रीन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक बोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप बोल देख सकते हैं, रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS फॉर नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट, यानी सैलरी पर्सन जो सैलरी का टाइम में TDS काटते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अदर देन सैलरी का जो आप TDS काट के पेमेंट करते हैं उसमें बोला गया है कि मेड टू रेसिडेंट एंड रेट ऑफ टैक्स कलेक्टेड सोर्स TCS फॉर स्पेसिफाइड रिसिप्ट सेल बी रिड्यूस बाय 25% फॉर एग्जिस्टिंग रेट, यानी TDS का और TCS का जो आप पेमेंट करते हैं सैलरी को छोड़ने के बाद, TDS के टाइम में जो सैलरी का अग्नेस्ट में TDS करते हैं उसको छोड़ने के बाद, बाकी जो रह गया आप रेसिडेंट लोग को पेमेंट करते हैं या रेसिडेंट से कलेक्ट कर रहे हैं TCS के टाइम में, तो उस टाइम क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग रेट है उसका 25% कम काटेंगे या कम लेंगे। यहाँ पे बोल दिया गया एलिजिबिलिटी क्या है, पेमेंट ऑफ फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करें उस टाइम TDS जो काट रहे हैं उसमें जितना आपका रेट है एग्जिस्टिंग रेट जो फॉर फिनेंशियल ईयर आपका 2021 का, उसका 25% कम काटेंगे। प्रोफेशनल फी का ऐसा है, इंटरेस्ट का है, रेंट है, डिविडेंड का है, कमीशन, ब्रोकरेज, ETC, ये सबका TDS का रेट 25% घटा दिया गया है। TDS के साथ TCS का भी 25% घटा दिया गया, यानी जो रेट है उसका 25% निकालेंगे, उतना लेस करके आप TDS या TCS काटेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के इतने, फिर मिलेंगे नया टॉपिक से, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।